आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए देर आर डिफरेंट गाइडलाइंस विच हैव टू फोकस अपॉन और उन गाइडलाइंस को ऊपर अमल करके हम बेहतर तौर फैसला कर सकते हैं कि हमारे लिए फिजिबल कोर्स ऑफ एक्शन वो क्या होगा एज एल्बर्ट आइंस्टाइन वन सेट दैट टू रेज न्यू क्वेश्चन न्यू पॉसिबिलिटीज टू रिगार्ड ओल्ड प्रॉब्लम फ्रॉम अ न्यू एंगल रिक्वायर्स क्रिएटिव एमेजिनेशन और इस एमेजिनेशन के बगैर हम एक नए आइडिया को वो ना परसीव कर सकेंगे और ना इंप्लीमेंट कर सकेंगे सो so, हमें प्रॉब्लम के तमाम तर उसको डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखना डिफरेंट उसके ऊपर एवेल्यूएशन पैरामीटर्स लगाना ये बहुत जरूरी है इस मकसद के लिए समटाइम्स वी हैव टू गो फॉर सर्टन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन और उन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में दीज आर द गाइडलाइन दैट वी हैव टू फोकस अपॉन फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ब्रेन स्टॉर्मिंग वी हैव टू सस्पेंड जजमेंट विच मीनस जिनेशन द ग्रीन लाइट बाई विद होल्डिंग द क्रिटिकल इवेल्यूएशन ऑफ आइडियाज एंटिलेटर एक्सेप्ट आइडियाज विदउट जजिंग दम तो हमें सबसे पहले आइडियाज जेनरेट करवाने हैं ताकि हर शख्स अपने आइडिया को बेहतर तौर प्रेजेंट कर सके और कहीं पर भी कोई शख्स ग्रुप थिंक का शिकार ड्यूरिंग द ब्रेन स्टॉर्मिंग वो ना हो द सेकेंड इज वेलकम फ्री विलिंग विच मीनस टेक ऑफ द ब्रेक्स इन योर माइंड एंड गो विद फ्लो ऑफ योर आइडियाज द मोर अनयल द आइडिया द बेटर इट इज इजियर टू टर्न डाउन दैन थिंक अपने लिए बहुत अहम चीज होगी कि हम खुद से अपने जहन को वो ब्लॉक में मत लेकर जाए हम उसको स्टॉप नहीं करें हम उसको ओपन फ्री विल पर रहने दें कि जो भी सोच आपको टिकल कर रही है जो भी सोच आपको ट्रिगर कर रही है उसको आप एक्सप्रेस करें ताकि हो सकता है कि आपके उस यूनिक थॉट प्रोसेस से हम किसी ऐसे क्रिएटिव आइडिया टू क्रिएट ऑप्टिम आउटकम फॉर एस सो वी है मोर लाइकलीट यू फाइंड सम परम तो जितने ज्यादा आपके पास अल्टरनेटिव होंगे जितनी ज्यादा आपके पास ऑप्शन होंगी उतना ज्यादा चांस है कि आप सही फैसले को हासिल कर पाओगे द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कंबाइन एंड इंप्रूव

ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी इकट्ठी वो कर सकें अपने डेप्थ माइंड को एक्टिवेट करने के लिए नो डाउट वी नीड टू हैव मोर आइडियाज और जितने ज्यादा आइडियाज होंगे उतना विजन आपका ब्रॉड होगा उतने आप बड़े कैनवस के ऊपर होलिस्टिकली चीजों को वो सोच सकोगे परख सकोगे डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डिसीजन मेकिंग में अक्सर औकात हमें ब्रेन स्टॉमिंग सेशन की जरूरत वो होगी उट वी आर ऑल्सो अवेलेबल विद अदर टेक्निकॉमिनल ग्रुप टेक्निक्रुप डिसीजन मेकिंग में यूज वो करते हैं लेकिन इनके साथ साथ कोई भी टेक्निक आप यूज करो वी है आप ट्रिगर कर सको आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को ओरिजिनेट कर सको ट्रिगर कर सको प्रोमोट कर सको सपोर्ट कर सको और ये भी याद रखिएगा कि इन सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के दौरान आपको इमोशनली इंटेलिजेंट भी रहना होगा थैंक यू